हेलो एवरीवन, मैसूर की लिस्ट जारी हो चुकी है और जिनका नाम है उनको सबको मेरी तरफ से बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरिट लिस्ट बहुत हाई गई है, 100% जनरल की। तो आप लोग, कई लोग उदास होंगे, हताश होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हताश होने की, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम तीनों लिस्ट में है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी है। तो वो एक ही तो कोर्स करेंगे, तीनों कोर्स थोड़ी करेंगे। तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो उनका पूरा चांस है। दूसरी बात ये, तो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, इसलिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसके आधार पर हुआ है। तो आप हताश नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके वेटिंग लिस्ट में पूरे चांस बने हुए हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी हैं उनको थोड़ा सा खुलासा कर दूँ, क्यों कई मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर ये जो BSc BEd की डेट कब है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ, BSc BEd की जो डेट्स है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये यहाँ, ये तो मेरिट लिस्ट हो गई फिजिक्स की, आपने देख ली होगी अच्छी तरह, और ये केमिस्ट्री की हो गई, तो वहाँ भी नाम आपको ये अजलान के नाम में आपको बार बार तीनों में मिलेगा। ये आप ऊपर देख लीजिए, और मैथमेटिक्स की भी देख लीजिए। तो आपने देख लिए ये लिस्ट, तो अब मैं डेट्स बताता हूँ आपको। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर BSc BEd। ये देखिए यहाँ आ गया, BA BEd एंड MSc BEd अपलोडिंग ऑन वेबसाइट एंड इंटीमेशन टू ऑल स्टूडेंट्स 14th October। तो आप देखिए आज 30th को आ गई है, 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, तो कल है तो ये सब रिलीज हो जाएगी। BSc BEd का भी आ जाएगा, BA BEd का भी, MSc BEd का। ये 15 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मैसूर RIE ने बहुत फास्ट काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जल्दी रिलीज कर दी है, तो आज ही अपलोड हो गई है। तो आपको ये BSc BEd की भी हो सकता है आज भी कर दे, वो जैसे आज MSc BEd की है, वैसे BSc BEd की भी लेट नाइट तक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप है कल तो ये लिस्ट अपलोड हो ही जाएगी। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कल BSc BEd का भी आ जाएगा और BA BEd का भी आ जाएगा, MSc BEd का आ ही चुका है। अब आगे देखते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर BEd एंड MEd, इनकी जो अनाउंसमेंट है वो लेटर यानी बाद में होगा, क्योंकि अभी तक उनके क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो अपलोड किए जा रहे हैं। अभी तो इनके जो फाइनल सेम के कहीं रिजल्ट नहीं आए हैं, वो रिजल्ट आएगा, फिर इनके मार्क्स अपलोड होंगे, तो इनमें इसमें समय लगेगा। एडमिशन टू MSc BEd सेलेक्टेड लिस्टेड कैंडिडेट्स 14th to 22nd October, और अगला भी ऐसे BSc BEd PCM ACBZ सेलेक्टेड लिस्टेड कैंडिडेट 14th to 22nd, और BA BEd एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट। ये प्रोग्राम हो गए, चार प्रोग्राम हो गए। एक देखिए डेट सेम है, 14 to 22nd, 14 से 22, एक ही डेट है। अब यहाँ देखिए MSc BEd 1, BSc BEd PCM CBZ 2, दो प्रोग्राम हो गए, BA BEd 3 प्रोग्राम हो गए। ये तीनों प्रोग्राम का ये सेम डेट है, लेकिन इसके साथ साथ इसको नोट कीजिए आप, वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो भी इन्हीं डेट्स में एडमिशन उनके किए जाएंगे, उनके लिए अलग से कोई डेट नहीं है। अगर इस लिस्ट में कोई नहीं आया, MSc BEd में कोई एडमिशन लेने नहीं आया दूसरे प्रोग्राम में, तो वेट लिस्ट कैंडिडेट को हाथों हाथ ले लिया जाएगा। ये कहने के लिए मैंने अब ये दूसरा वीडियो बनाया है, तो आपको ध्यान रहे इस बात का। चलिए मैं एक EWS कोटे की बात और बता देता हूँ, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा ये बताना जरूरी, फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये फॉर्मेट जनरल EWS, ये 10% आरक्षण मिला है, 10% रिजर्वेशन। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ, कौन सी गवर्नमेंट है, केरल गवर्नमेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट है, जो भी तेलंगाना जो भी गवर्नमेंट है वो इसमें उसको बनाना है। इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर्टिफिकेट नंबर, डेट यहाँ डलेगी कब, वैलिड फॉर ईयर, एक साल का बनता है ये। तो यहाँ पे नाम होगा, जो भी होगा, ये जो जैसे श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, जो लागू होगा वो होगा, और बाकी का काट दिया जाएगा, या किसका बेटा है किसकी बेटी ये आ जाएगा, और ये यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ये वगैरह आ जाएगा। और ये जो शर्तें हैं कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, 5 एकर एग्रीकल्चर लैंड एट अबोर रेजिडेंशियल, ये जो फ्लैट है ये आ गई आपकी। और जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ सिग्नेचर होनी चाहिए, और ये सील लगी होनी चाहिए ऑफिसर की, और ऑफिसर कौन सा होना चाहिए, ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सील किसकी होनी, कम से कम किस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, तहसीलदार से नीचे के लेवल का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। द इनकम एंड असेट्स ऑफ द फैमिलीज एंड मेंशन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट्स
एंड ऑब्लिक यूटीज यूनियन टेरेटरीज। तो आप समझ गए होंगे, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए और किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, ये इसमें बता दिया गया है। और मैंने OBC क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है ये आप देख लीजिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, यहाँ भी ये जो लागू है वो रख लेना, बाकी काट देना, ठीक है। ये एड्रेस हो गया और इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और ये जब आप ये एडमिशन लें उस समय आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप आगे की शुभकामनाएं देता हूं और रिजल्ट भी जल्दी ही आएंगे, भुवनेश्वर का भी, भोपाल का भी। आज उम्मीद तो थी भोपाल का आएगा, लेकिन आज ये चमत्कार हो गया, ये सरप्राइज है कि आज मैसूर वालों ने दे दिया। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।